बड़की भैया। प्रणाम बड़की भैया। देवा जी हम कचरी बोल रहे हैं। कचरी भाभी आप? छिपके फोन कर रहे हैं, इन्हें पता नहीं चलना चाहिए। भाभी क्या हुआ, घर में सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है, आपको कुछ बताना है। हाँ हाँ बोलिए। देवर जी ये लोग सब लोग मैना जी का बच्चा गिराना चाहते। भैया ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? आपने मैया को सब कुछ बताया? कोई कुछ नहीं करने वाले, ना मैया ना बालजी। देवा जी अब आप ही एक सहारा, कुछ ना कुछ करिए। अब आप ही हैं जो ननद जी और उनके बच्चे को बचा सकते हैं। देवा जी कुछ, आप चिंता मत कीजिए भाभी, अब ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं सुरभि और उसके बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। जल्दी आइए। संभाल के। नहीं कुछ नहीं हुआ। तू अभी तक सोई नहीं है? अभी तो नहीं सोई, इतनी तबीयत खराब है और ये आप ये सब कर रही है। अरे नहीं नहीं बस देख, मैं आपसे कुछ कहने आई थी। हाँ विष्णु के बारे में। हाँ हाँ बोल ना। ये देख कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है ये चुन्नी बनाई। बिल्कुल इसकी जैसी दिख रही है। अच्छा है ना? ये अन्नी की याद तेरे साथ हमेशा रहेगी। ये थोड़ा काम बाकी है, हो जाएगा। ये समझ में नहीं आ रहा है कि अन्नी को कैसे बताओ कि ये शादी सिर्फ एक नाटक है। ये यहाँ एक सिलाई और आ जाएगी तो ठीक हो जाएगा, है ना? अरे हाँ तो कुछ कह रही थी ना? नहीं वो हाँ यही कहने आई थी कि वो आकाश 18 दिन पूरे होने तक यहाँ पे रहेगा। वो दिन रात मेरी आंखों के सामने रहता है तो मुझे इतनी तकलीफ हो रही है। तू ये सब कैसे सह रही है मैं नहीं जानती, पर तू अब बिल्कुल फिक्र मत कर, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। बस कुछ ही दिनों की बात है, ये दिन भी बीत जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। तू अब जा आराम कर, मेरा बस ये थोड़ा काम हो जाए उसके बाद मैं सो जाऊंगी। हाँ जा जा बेटा। ये मैं किस मुश्किल में फंस रही हूँ, 7-8 दिन छूट कर ये खेल नहीं खेल सकते। हे भगवान अब आप ही कुछ कीजिए, बस आकाश इस घर से चला जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। कान्हा जैसे ही आकाश उस तलाकनामे पर दस्तखत कर दे आप कानूनी कार्यवाही तुरंत शुरू करवा दीजिएगा, देर मत कीजिएगा। अब चिंता मत कीजिए, मैं भी नहीं चाहता कि आतिशगढ़ की कोई भी याद अब मीठी की जिंदगी में रहे। यहां क्यों आए हो तुम? ये सेवा विवाह का नाटक मेरे सामने मत करो आकाश,
चले जाओ यहाँ से। आप जाइए यहाँ से प्लीज। मुझे कान्हा भैया से जरूरी बात करनी है। क्या जरूरी बात करना चाहते हो? अच्छा तो तुम ये चाहते हो कि मीठी के सामने मैं तुम्हारी सिफारिश करूं, तुम्हें माफ कर दूं, तुम्हें गले लगा लूं? आकाश एक बात कान खोलकर सुन लो, मीठी ने जो भी फैसला लिया है मुझसे खुश है। अब प्लीज मीठी को बख्श दो और यहां से चले जाओ। तुम्हें यहां पर देखकर मुझे बेवफा की याद आती रहती है। कान्हा भैया मैं बस ये कहने आया हूं कि मेरी बहन जो है, मैं सुरभि के बारे में कुछ सुनना नहीं चाहता हूं। पापा ने मेरी सुरभि मां बनने वाले की पत्नी, आपके बच्चे की मां बनने वाली, और इस वक्त उसे सबसे ज्यादा जरूरत आपकी है कान्हा भैया। फिर से एक झूठ, कितने झूठ बोलोगे, थोड़ी सी भी शर्म नहीं बची तुम्हें? हाँ झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो तुम झूठ बोल रहे हो। तुम और तुम्हारी बहन हमेशा कोई ना कोई नया स्वांग रच लेते हो। सुरभि इसलिए मेरी जिंदगी में आई थी ताकि तुम्हारे लिए वो रास्ता बना सके। अब ये बच्चे का नाटक करो भैया, अब बस भी करो, तुम कुछ तो शर्म करो आकाश। अब बहुत कुछ कर लिया तुम दोनों ने, चले जाओ यहां से। तो एक औरत है ना, और एक औरत होने के नाते ये बात तो समझती है कि ऐसे वक्त में एक पत्नी को अपने पति की कितनी जरूरत होती है। आप इन्हें हम माँ है, और माँ बनना क्या होता है वो भी अच्छी तरह से समझते हैं। तुम इतना नीचे गिर जाओगे हमने कभी नहीं सोचा था आकाश। इस घर में जगह लेने के लिए तुमने अपनी बहन को इस्तेमाल किया। झूठे ही बोल, हमारे बेटे की जिंदगी बर्बाद की, फिर तुमने हमारी बेटी से शादी की, उसकी पूरी जिंदगी खराब कर दी, और आज इस झूठ का सहारा ले रहे हो। और एक बच्चे के नाम पर झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? मैं जानता हूँ कि हम पर कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन मैं और मेरी बहन दोनों ही सजा भुगत रहे, फर्ज़ है मेरा। सोचा कि मेरे बहन की पति को ये बात बता होनी चाहिए, अगर एक पति होने के नाते आप उनका साथ नहीं देंगे, लेकिन एक भाई की जिम्मेदारी मैं जरूर निभाऊंगा। जिंदा है उसका भाई अभी। ये जा कर रहा है। हेलो, हाँ वो आदेश घर जाने वाली बस की टिकट हो गई ना? हाँ जी, मैं बस थोड़ी देर में पहुंच ही रहा हूँ जी। धन्यवाद। आतिशगढ़ मतलब आकाश वापस आतिशगढ़ जा रहे हैं। थैंक गॉड, मुझे ये खबर अभी विष्णु को देनी चाहिए, बहुत खुश होगा वो ये सुनकर, और फिर हम दोनों का ये शादी का नाटक हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा।
कोई खुशखबरी देनी थी। आकाश घर छोड़कर जा रहा है। सच? जी, मैंने अभी उसे पैकिंग करते हुए देखा और फोन पे भी टिकट का कंफर्मेशन कर रहा था। अब वो हमेशा हमेशा के लिए आतिशकर वापस जा रहा है। ये तो आपने बहुत अच्छी खबर दी है।